अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आज 4 नवंबर मतलब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज है आखिरी दिन। महायुति और महाविकास आघाड़ी से मैदान में 50 के आसपास बागी उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और दोनों गठबंधनों में कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला भी होना है। ऐसे में होगा क्या चुनाव में, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी जब नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन आज नामांकन नाम वापस लिए जाएंगे। तब कितने बागी नामांकन वापस लेते हैं, कहां कहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनती है और कहां गठबंधन में बात बन जाती है, इस सब को लेकर जो फुल एंड फाइनल तस्वीर है वो आज साफ हो जाएगी। इस बीच देखिए महायुति में बागियों को मनाने में सीएम शिंदे खुद जुटे हुए हैं। अंधेरी पूर्व सीट पर शिंदे गुट में बगावत खत्म हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। स्वीकृति शर्मा नामांकन अपना वापस ले लेंगी आज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद का सदस्य बनाने का ऐलान कर दिया है उनको। स्वीकृति शर्मा ने निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा भरा था। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा, टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गईं, नामांकन दाखिल कर दिया अंधेरी पूर्व सीट से। हालांकि अब एकनाथ शिंदे उन्हें मनाने में कामयाब हो गए हैं, विधान परिषद का सदस्य बनाने का उनको ऐलान कर दिया गया है। और सुनाते हैं आपको किस तरीके से एकनाथ शिंदे को कामयाबी मिली। महिला बचत गटाच्या स्वीकृतीताईला मी सांगितलंय कि मुरजी पटेलला पहिला आमदार बनवतो, तुला पण आमदार बनवतो। आणि या ठिकाणी मी सांगतो मुरजी पटेल हा प्रचंड मतात कोणी ते निवडणूक लढवतो, कोणी डायरेक्ट होऊ शकतो, सगळं आपल्या हातात आहे। आणि एकनाथ शिंदे दिलेला शब्द पाळणारा आहे। एक बार जबान देने के बाद फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो ये अंदाज शिंदे साहब का सुन रहे थे आप, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, एक बार जबान दे दी फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। महायुति में ये जो हलचल चल रही है ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, नम्रता भी हमारे साथ जुड़ गई है। महाअघाड़ी में कितनी कामयाबी मिलेगी बागियों को बनाने की, इस पर आगे नम्रता से जवाब लेंगे। लेकिन पहले जरा मृत्युंजय से जानते हैं कि महायुति में कितने बागियों को मनाने की आज लग रहा है कि जो मशक्कत की जा रही है उसमें कामयाबी मिलने वाली है। रोमाना, देखिए आखिरी के कुछ घंटे बचे हैं जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात किस तरह से बिछाई जाती है। अगर हम बात करें नामांकन के बाद तो दोनों ही गठबंधन से 50 बागी खड़े हुए थे, सबसे ज़्यादा महायुति से 36 बागी खड़े हुए थे। उन 36 में भी 19 बागी सबसे ज़्यादा बीजेपी से खड़े हुए हैं, 16 शिवसेना से खड़े हुए हैं और एक अजीत पवार गुट से बागी खड़े हुए हैं। ऐसे पर इन्हें मनाने की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं की थी। जिस प्रकार से आपने अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सुनाया, कल उन्होंने अंधेरी ईस्ट में प्रचार दौरान ये बात कही कि उनकी जो जुबान है, जुबान देने के बाद वो खुद पीछे नहीं हटते, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खुद बड़े नेता अपने नेताओं को, उम्मीदवारों को, बागियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अंधेरी से तो उन्होंने आश्वासन दे दिया स्वीकृति शर्मा को, जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर अभी भी बागी खड़े हैं, वहां पर हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। कई बार तो आपने देखा कि खुद देवेंद्र फडणवीस कई बागियों को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। आप बात करें बोरीवली सीट की या फिर बात करें मुंबई की अन्य सीट की, इस प्रकार से बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि बहुत सारी सीटों पर यह कह दिया गया है कि बागी वापस लेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की भी आशंका है। उदाहरण के तौर पर जहां नवाब मलिक खड़े हैं, अगर नवाब मलिक शिवाजीनगर मानखुर सीट से वापस नहीं लेते हैं नाम, तो उनकी बेटी सना मलिक के सामने भी शिवसेना का उम्मीदवार खड़ा होगा और वहां भी फ्रेंडली फाइट होगी। इसके अलावा डिंडौरी और देवलाली की दो सीटें हैं जहां अजीत पवार गुट और शिवसेना गुट आमने सामने उम्मीदवार खड़ा है, वहां भी फ्रेंडली फाइट को नकारा नहीं जा सकता। तो ऐसे पर कुछ घंटे और हैं जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कितनों को बागियों को मनाया जा सका और कहाँ पर फ्रेंडली फाइट। और बांद्रा ईस्ट जिशान सिद्दीकी वाली सीट, देखिए जिशान सिद्दीकी वाली सीट पर कोई खास विवाद नहीं है, वहाँ पर अजीत पवार के गुट के उम्मीदवार हैं जिशान सिद्दीकी और सामने वरुण सरदेसाई जो कि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। कुछ निर्दलीय जरूर खड़े हुए हैं, हालांकि वो पार्टी के कोई बहुत बड़े नेता स्तर के नहीं है, कार्यकर्ता जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन मुकाबला इन दोनों के बीच ही होगा। जी नम्रता का आप रोक कर लेते हैं और जरा जानते हैं नम्रता से, महाविकास आघाड़ी वहाँ पर किसने कमान संभाली हुई है बागियों को मनाने की, सबसे ज्यादा बागियों से परेशानी कांग्रेस ही झेल रही है।
कुमाना, महाविकास आघाड़ी में 14 के करीब बागी उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन भरा है और कुछ ही घंटे बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस के नेता लगातार सामने आकर खुलकर कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में किसी तरह का कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगा और वो अपने उम्मीदवारों को लगातार जो बागी उम्मीदवार उनको दबाव बना रहे हैं कि वो नाम वापस ले। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो भाईखला सीट से मधु चौहान है, अंधेरी वेस्ट से जो है हैदर है और उसके साथ साथ सांगली से जयश्री पाटिल है। इन तीनों के नाम आज वापस लिए जा सकते हैं जिसकी जानकारी हमारे पास सामने आ रही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो तमाम कैंडिडेट से 10 के करीब जो हैं, 10 से ज्यादा के करीब उनके भी बागी नेता हैं, उनको मनाने की कोशिश खुद उद्धव ठाकरे को दे दिया गया। यानी कि महाविकास आघाड़ी में एक चीज बहुत क्लियर है कि जिस पार्टी के जो बागी नेता हैं उनको पीछे लेने की जिम्मेदारी उस पार्टी के प्रमुख की होगी, वो उनसे बातचीत करें और उनको नाम पीछे लेने के लिए पूरी तरह से जो है एक्सेप्ट करवाएं। तो कुछ ही घंटे बाद जो है खासतौर पर कांग्रेस के कई नेता अपना नाम पीछे लेते हुए नजर आएंगे। जिन तीन नामों का मैंने जिक्र किया, भाईखला की सीट, सांगली की सीट और अंधेरी वेस्ट की सीट से, ये तीनों जो बड़े नाम है वो जरूर नाम पीछे वापस लेते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ जो शिवसेना के कुछ नेता हैं, उद्धव ठाकरे उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको भी कहा गया है कि आपको आगे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, फिलहाल आप नाम पीछे ले लीजिए, हमें एकजुट होकर लड़ना है। तो एक मैसेज जो है वो महाविकास आघाड़ी में चल रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ा मैसेज वो क्लियर है कि फ्रेंडली फाइट बिल्कुल भी नहीं होगा महाविकास आघाड़ी में। बहुत शुक्रिया अमृता, आपका भी, मृत्युंजय आपका भी इस तमाम जानकारी।